मुंबई के नागपाड़ा इलाके में इमारत का हिस्सा ढहा, दो लोगों की मौत, एक हुआ घायल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में जहां देखो तहां वहां इमारत गिरने की और मकान ढहने की दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। महाड़ की इमारत के बाद, डोंबिवली की इमारत के बाद, दीवा में खाली कराई गई इमारत के बाद, अब मुंबई के नागपाड़ा इलाके के शुक्लाजी स्ट्रीट पर मिश्रा नामक एक तीन मंजिला इमारत का पीछे का हिस्सा गिर गया। महाड़ा की ये बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें मलबे में तीन से चार लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही थी। मलबा हटाने के बाद यहाँ से दो घायल लोगों को निकाला गया, एक 70 वर्षीय महिला, एक 12 वर्षीय लड़की थी। 12 वर्षीय लड़की का नाम आलिया रियासत कुरैशी है, वहीं 70 वर्षीय महिला का नाम नूर कुरैशी है। दोनों को जख्मी हालत में जे अस्पताल ले जाया गया, मगर अस्पताल में दाखिले के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य एक महिला इस इमारत दुर्घटना में मिश्रा बिल्डिंग की गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक कांग्रेस के अमीन पटेल, मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर, मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ये घटनास्थल पर पहुंच गए। महाड़ा की ये इमारत थी और इस पर अब जिसने रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लिया था, सिरसे वाला करके कोई बिल्डर है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इन सवालों के जवाब भी जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दिए। वहीं इस इमारत दुर्घटना के बाद जो लोग अब बेघर हुए हैं उन्हें क्या राहत दी जा सकती है, उस पर भी उन्होंने बात की। हमारे साथ में बहुत बड़ा मसला ये, हम लोग बिल्डिंग में 110 टेनेंट है, 111 टेनेंट, बाद में जो 11-15 लोग है वो तो कैपेबल है कहीं भी जाने के लिए, लेकिन 100 लोग, सर बहुत बड़ा मसला ये, 100 लोग और अगर ट्रांसिट कैंप में जाते हैं, बच्चे की एजुकेशन, हमारा काम, एजुकेशन का तो सर ऑनलाइन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन आ जाए, एक मिनट अभी ऑनलाइन भाई, प्लीज प्लीज बेटा बेटा, एक मिनट मेरे पास, ऑनलाइन आ जाए, बराबर जो बोल रहा है वो बराबर बोल रहा है कि हम गरीब लोग हैं, हमारा रहना खाना काम, हमारे बच्चों का एजुकेशन यही है, हमको ट्रांजिट में भेजेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां, ये जो बोल रहा है कोई गलत नहीं बोल रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अमीन भाई आपके जो MLA है बहुत ही ध्यान देने वाला आदमी है, वो ऐसा किसी को छोड़ने वाला आदमी नहीं है। तो हम दोनों एक साथ राजनीति में आए, मैं जितना भी हो सकूंगा, जितना भी ऊपर वाला मुझे ताकत देगा आपके लिए करूँ। अभी फिलहाल शांत रहिए, पहले मलबे से दुआ करो कि वो जो दो लोग हैं जो है वो हमेशा से ऐसे ही है, बहुत सारी डेवलपमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्डिंग इतनी एक बिल्डिंग का नहीं है, हर बिल्डिंग का काम है। अमीन भाई जो तुम बताएंगे, चाहे कादर बिल्डिंग हो, कादर बिल्डिंग का भी ऐसा, यहाँ पर बिल्डर और जो ये प्रशासन का जो साठगांठ है उसकी वजह से टैलेंट बहुत इफेक्ट है। प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं था, पिछले हफ्ते में जो कानून पास हुआ है डिलैपिडेटेड बिल्डिंग का, जो 12,500 बिल्डिंग को लागू होने वाला है, उसके तहत अब कार्रवाई करने का अधिकार हमको मिला हुआ है, अब मिला है। इसी उसी कानून के तहत ये सिरसी वाला के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बिल्डिंग कैसे डेवलप हो सकती है, इसका फैसला आने वाले मेरे ख्याल से 1-2 दिन में लेंगे। अमीन पटेल जी है, कानून लाने में अगर सबसे बड़ी दिक्कत इसकी रही तो अमीन पटेल की, और वो कानून यहाँ के जो भी बिल्डिंग दिख रही है उनको सबको फायदेमंद है। मैं तो अपील करूँगा आज से ही कि भाई जल्दी इसको ख़त्म करो ये मसले, क्योंकि आप धोखादायक बिल्डिंग में रहते हो, आपकी जान खतरे में आ सकती है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। एक आम आदमी जाए तो कहाँ, व्हाट्सअप वो हमेशा जो है पैदा यहाँ हुआ है, उनके बच्चे यहाँ हुए, और उसको अगर यहाँ पर रिहेबिलिटेट जहाँ पर भी सेंटर में डाला जाता है वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, आपको भी पता, तो हर आदमी क्या सोचता है कि घर क्यों छोड़ा जाए। नहीं, उसके बाद भी बिल्डर जो है उसका पक्का नहीं रहता, वो 2 साल में बनाएगा, 5 साल में बनाएगा, 10 साल में बनाएगा। अभी ऐसा नहीं है, आप बनाने के मतलब की मर्यादा लगाइए कि अगर माड़ा भी बनाती है तो माड़ा को भी 3 साल का कैप लगाया,